ओके गाइस, सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे पेजेस के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ ली थी, एरर पेजेस डिजाइन करना सीख लिए थे एंड काफ़ी चीज़ें समझ ली थी। आपने वीडियोस नहीं देखे यार, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर से जाकर के वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें समझते। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे बैकएंड की। जी हाँ गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था यार फ्रंट एंड पे UI कैसे बनाएंगे, कैसे लोडिंग दिखाएंगे, कैसे एरर पेज बनाएंगे, ये सब चीज़। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अगर आपको Next.js से ही APIs बनानी है तो हम क्या करें, उसके लिए कौन सी फाइल बनानी है एंड कैसे कोडिंग करनी है। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें और मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ कैसे हम लोग APIs को बनाते हैं Next.js में, नया क्या तरीका है APIs को बनाने का Next.js में। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन है एंड हमें क्या करना है यार, बहुत आराम से काम करना है। हमने प्रोफाइल पेज बनाया था, प्रोफाइल UI को दिखाने के लिए, अबाउट पेज था अबाउट UI को दिखाने के लिए। अगर हमें API बनानी है, दैट मीन्स हमें सिंपली रिक्वेस्ट भेजना है और रिक्वेस्ट जाएगी, प्रोसेस होगी और वो हमें JSON प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सो हम क्या करेंगे यार, हम हालांकि हम किसी भी ऐप, अगर ऐप फोल्डर के अंदर है और ऐप के अंदर किसी भी फोल्डर के अंदर हम अगर route.js नाम से फाइल बना दें तो वो हमारी उसके अंदर हम APIs लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें API बनानी है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, हम ऐप मतलब रूट फोल्डर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर बना लेंगे और ऐप के अंदर एक फोल्डर जिसका नाम दे देंगे API। ठीक है, एंड इसके अंदर जितनी भी APIs बनानी है वो हम बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बनानी है यूज़र की API, तो हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, अपने API पे यहाँ पे एक फोल्डर ऐड कर लेंगे यूज़र। ठीक है, अब API के अंदर अगर हम यूज़र के अंदर जाते हैं तो अगर हम इसके अंदर page.js बना देंगे तो ये UI कंपोनेंट मतलब UI बन जाएगी, यूज़र इंटरफेस। मतलब कह सकते हैं जब आप API/user एक्सेस करोगे इस राउट को तो आपको एक UI दिखेगा, बट हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा route.js फाइल। जैसे आप route.js फाइल बनाओगे यहाँ पे अब आप क्या लिख सकते हो, UI लिख सकते हो और इस पेज को एक्सेस कैसे करेंगे, API/user, दैट्स इट। या फिर यूज़र को हम लोग कर देते हैं राइट क्लिक करके और इसको कर देते हैं यूज़र्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमें फंक्शंस बनाने हैं और वो फंक्शन एज इट इज़ API का काम करेंगे, बाकी कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो कितना बढ़िया हो गया। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक बनाना है गेट मैथड, या कह सकते हो गेट का रिक्वेस्ट करने के लिए हमें गेट की API चाहिए जहाँ से हम यूज़र को गेट कर सकें, तो हम सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे। पहले तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एंड फंक्शन का नाम होगा फंक्शन, नाम हम दे देंगे गेट एंड बस ये एक बन गया गेट। जब भी यूज़र्स पे गेट की रिक्वेस्ट आएगी तो ये फंक्शन अपने आप से चलेगा। एंड अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करना है तो हम एक्सपोर्ट फंक्शन पोस्ट कर देंगे, बस ये सब प्री डिफाइंड है भाई। एंड पहले Next.js में दूसरे तरीके से होता था, बट अब ये तरीका काफ़ी कारगर और काफ़ी बढ़िया है। दैट मीन्स अब आप API/users पे अगर गेट की रिक्वेस्ट करोगे तो ये चलेगा, पोस्ट की रिक्वेस्ट करोगे तो ये चलेगा। इसी तरह अगर आपको डिलीट की रिक्वेस्ट करना है तो आप एक फंक्शन और बना सकते हो डिलीट, एंड उस केस में हमारा ये डिलीट चलेगा। ठीक है, पुट करना है तो आप एक्सपोर्ट फंक्शन एंड यहाँ पे आप पुट बना सकते हो तो आपका पुट चलेगा। तो इस तरह से हम API बना सकते हैं एंड अलग अलग, ये सब प्री डिफाइंड है भाई, आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक route.js बनाओ, उसके अंदर आप ये सारे फंक्शंस बना दो एंड जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी उसी हिसाब से फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इतना आसान कर दिया गया है Next.js में APIs को बनाना, कोई सर्वर वगैरह आपको कोई भी कॉन्फिगरेशन नहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक आपको टेस्ट कराता हूँ। चलिए गेट पे कोडिंग करते हैं। हम कहेंगे यार जब भी /API/users पर रिक्वेस्ट आएगी गेट की तो ये मेथड चलेगा। ये मेथड क्या करेगा, ये कुछ रिटर्न कर रहा होगा, सपोज कुछ यूज़र की लिस्ट है हमारे पास, तो हम बना लेते हैं एक यूज़र की लिस्ट कॉन्स यूज़र्स एंड इसके अंदर एक एरे है, एरे के अंदर कुछ यूज़र हैं जैसे यहाँ पे यूज़र का नाम रखा है दुर्गेश तिवारी एंड यूज़र का फ़ोन नंबर रखा है एंड नंबर कुछ ऐसे देते हैं एंड यूज़र का कह सकते हैं कि पोजीशन रखा है कि भैया वो किस पोजीशन पे है, या कह सकते हैं कौन सा कोर्स जावा। ठीक है, तो ये एक यूज़र बन गया। इसी तरह हम कुछ यूज़र्स और बना लेते हैं, दो तीन यूज़र बना लेते हैं, नाम बदल देते हैं, इसको कर देते हैं हर्ष तिवारी एंड कोर्स में कर देते हैं CPP एंड Next.js नाम कर देते हैं अंकित तिवारी। ठीक है, सो ये हमने एक यूज़र की लिस्ट बना ली। अब इस यूज़र की लिस्ट को हमें भेजना है JSON के फॉर्मेट में, तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे रिटर्न और रिक्वेस्ट को भेजेंगे एज अ JSON। तो हमें एक रिस्पॉन्स भेजना है, ये रिक्वेस्ट आ रही है, इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हम लोग रिक्वेस्ट ले सकते हैं वेरिएबल, ये एक्चुअली नेक्स्ट की रिक्वेस्ट होगी। तो रिक्वेस्ट आ गई, आपने प्रोसेस किया, अब इस रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें रिस्पॉन्स भेजना है यहाँ से। तो रिस्पॉन्स भेजने के लिए हमारे पास नेक्स्ट रिस्पॉन्स नाम से एक कंपोनेंट है, उसके पास एक मेथड है
जेसन, इसके अंदर हम अपना भेज सकते हैं यूजर्स की एरे। बस ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन फंक्शन क्या करेगा, ये अपने आप से जेसन में इसको कन्वर्ट कर देगा। दैट्स इट, सब चीज़ जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आप इसके बारे में देख सकते हो कि ये क्या है, तो आप देख सकते हो ये क्लास है नेक्स्ट रेस्पॉन्स जो रिप्रेजेंट करता है रेस्पॉन्स को, ठीक है। अब ये नेक्स्ट के अंदर बनाएगा इसलिए नेक्स्ट रेस्पॉन्स इसका नाम है। तो हमारा सही KPI बन चुकी है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोस्टमैन हमें चाहिए, सो हम लोग डायरेक्टली पोस्टमैन हमारे पास इंस्टॉल्ड है यार, अदरवाइज आप डायरेक्टली थंडर क्लाइंट वगैरह यूज़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो पोस्टमैन डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो यार, ठीक है। सो हमारे पास पोस्टमैन है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नया एक बना लेते हैं कलेक्शन, इसको बंद कर देते हैं, बस टेस्ट करना है और हमारा ऐप चल रहा है। अच्छा ये तो हम ब्राउज़र पर भी टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं एंड हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट कोलन 3000 /API/users, एंटर करेंगे, गेट रिक्वेस्ट जाएगी, ये देखिए गेट रिक्वेस्ट आई और आपके पास APIs का डेटा आ चुका है। ये कह रहे हैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है पहला, जिसके अंदर नेम फोन नंबर कोर्स है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है नेम फोन नंबर कोर्स है, तीसरा ऑब्जेक्ट नेम फोन नंबर कोर्स है। तो इस तरह से हम लोग APIs बना सकते हैं। इसी तरह हम पोस्ट को हैंडल करने के लिए यहाँ काम कर सकते हैं, डिलीट को हैंडल करने के लिए यहाँ काम कर सकते हैं, पुट को हैंडल करने के लिए यहाँ काम कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ डिलीट के लिए भी। सो रिक्वेस्ट एंड हम लोग यहाँ पे एक लॉग दे देंगे डिलीट मैथड या डिलीट API कॉल्ड एंड दैट्स इट। हम यहाँ से रिटर्न करेंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड हम एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, तो हम मैसेज में लिख देते हैं यहाँ पे डिलीटेड, ऐसे मैंने फेक मैसेज दे दिया एंड स्टेटस कर देते हैं ट्रू, ठीक है। एंड अगर हम चाहते हैं तो अच्छा ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक है, इतना हम लोग देखते हैं डिलीट की API चल रही कि नहीं चल रही, तो URL सेम होगा। अब डिलीट API हम डायरेक्टली URL से तो कॉल नहीं कर सकते, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं लिंक को, पोस्टमैन में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यार, एक बना लेते हैं URL, सो एक नई रिक्वेस्ट बना लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग डालते हैं API का URL एंड डिलीट मैथड सेलेक्ट कर दें एंड सेंड कर देते हैं। तो आप देखोगे ये देखिए यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, या मतलब डिलीटेड एंड ट्रू एंड स्टेटस ओके आ रहा है। स्टेटस को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, बाद में आपको बता दूंगा कैसे स्टेटस को चेंज करना। आपने जो ऑब्जेक्ट पास किया उसी में आप यहाँ पे मैसेज ओके बॉडी पास कर सकते हैं एंड देन इसमें आई थिंक हम लोग स्टेटस भी पास कर सकते हैं। देखते हैं भाई स्टेटस एंड स्टेटस में हम लोग यहाँ पास कर सकते हैं 201, बस ऐसे मैं ट्राई करने के लिए पास कर रहा हूँ, देखते हैं एग्जैक्टली आप देख सकते हो 201 आ चुका है। तो एक स्टेटस पास कर सकते हो, इवन स्टेटस का टेक्स्ट भी पास कर सकते हो यहाँ पे, ये देखिए स्टेटस टेक्स्ट, तो काफ़ी यार तगड़ी चीज़ बना दी है इन लोगों ने। टेक्स्ट सेव कर लेते हैं, सो ये देखिए स्टेट का टेक्स्ट भी आ चुका है, स्टेट टेक्स्ट। कुछ और टेक्स्ट बदलना हो तो बता सकते हो, हे चेंज्ड टेक्स्ट, देखेंगे ये देखिए हे चेंज टेक्स्ट। तो यहाँ से आप कह सकते हो पहला आर्गुमेंट जो आपका डेटा है जेसन के अंदर नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन वाला जो फंक्शन है, दूसरा रेस्पॉन्स आपका स्टेटस एंड स्टेटस की इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स स्टेटस एंड स्टेटस टेक्स है। तो इस तरह से API बना दें, आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंपली आपको क्या करना है, एक राउट डॉट जेस से फाइल बनानी है ऐप के अंदर किसी फोल्डर के अंदर बना सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वही स्ट्रक्चर फॉलो करिए, आप API बना दिए फोल्डर, उसके अंदर जितने भी APIs बनानी उसके फोल्डर बना दिए एंड देन काम करिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक API बनाइए टू डू की, तो आप राइट क्लिक करिए यहाँ एक फोल्डर बना दिए टू डूस, इसके अंदर राइट क्लिक करके एंड राउट डॉट जे एस हो गया भाई काम, इसके अंदर आप पूरा गेट पोस्ट पुट ये सब बना दीजिए। उसी तरीके से सपोज आपको वर्क्स की API बनानी है जो, या फिर वर्क या वर्क्स, तो आप यहाँ वर्क्स से एक राउट डॉट जे एस बना लीजिए, राउट डॉट जे एस फाइल बना लीजिए। तो अब इसके अंदर आपको गेट पुट पोस्ट जिसका भी काम करना है वो आप सिंपली बस एक्सपोर्ट करिए, एक्सपोर्ट फंक्शन गेट बनानी है तो गेट बनाइए, दैट्स इट। एक फंक्शन है तो नॉर्मल फंक्शन की तरफ आएंगे। डेटा मिलेगा कहाँ से, रिक्वेस्ट के अंदर डेटा मिल जाएगा, नेक्स्ट की रिक्वेस्ट होती है और जो आपको रिस्पॉन्स भेजना होता है वो रिटर्न करना होता है नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट, अगर जेसन भेजना है तो जेसन कर दो, अदरवाइज और भी मैथड्स हैं, ये देखिए एरर भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जेसन ही भेज रहा हूँ, लिख देते हैं भाई मैसेज, मैसेज में डाल देंगे वर्क्स
API getting data, that's it. अब ये मेथड आप कॉल कर सकते हो वक्स पे, दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. वक्स वक्स यहाँ पे आते हैं, गेट करते हैं, सेंड कर देते हैं, ये देखिए वक्स API गेटिंग डेटा. वक्स की स्पेलिंग डी कहाँ से आ गया भाई वक्स के अंदर, ये देखिए. तो इस तरह से API बनाना बहुत ईजी है. एंड बस आपको एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी है यार, ना एक ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो कि है route.js. अगर आपको route.js याद है तो समझ लो आपको तीर कहाँ चलानी है, ये समझ में आ गया. और ये समझ में आ गया तो आप काम कर सकते हो, ठीक है. सो अभी हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे. डायनेमिक राउट वगैरह, URL में कैसे वैल्यू लाते हैं, वो सब चीज़ हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो इस वीडियो से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि API हम लोग कैसे बनाते हैं बैकएंड के अंदर Next.js का यूज़ करके. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना. और गाइज, अगर आपने प्लेलिस्ट नेक्सस की तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जाकर के प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए. कोर्स नेक्सस का कोर्स यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर के आप, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर के गेट कर सकते हैं एंड पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप सीरीज को पढ़ सकते हैं. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए. बाय बाय, जय हिंद, जय भारत.